हेलो गाइस नमस्ते, मैं शोभा जगुड़ी देव भूमि हरिद्वार से और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह के 10 बजे से। तो हम नहा धो के तैयार हो चुके हैं और आज भी हमारा व्रत है, तो हम जा रहे हैं आज मंदिर और आज जा रही हूँ मैं फैमिली के साथ। तो मेरे साथ बच्चे चल रहे हैं, सास जी चल रही, दादी चल रहे हैं और दिव्यांश घर में ही है क्योंकि उसके अभी एग्जाम पूरे नहीं हुए, तो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा। और प्रिंस के पापा तो कहीं जा रखे हैं पूजा के लिए, तो हम ही 4-5 लोग जा रहे हैं। मिलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको, दर्शन करवाते हैं हम कौन से मंदिर जा रहे हैं। तो गाइस हम घर से निकल चुके हैं और मेरे साथ है प्रिया। प्रिया देखो हेलो, सामने है सास जी और दादी और प्रिंस आगे बैठा हुआ है। तो अब चल रहे हैं, करवाते हैं आपको भी दर्शन, तो बने रहे हमारे साथ। तो हम आ चुके हैं माया देवी मंदिर में और करवाते हैं आपको इधर के दर्शन भी, दिखाते हैं। और यहाँ पे मिल गए हमें दीदी लोग जो कि हमसे पहले आ रखे थे मंदिर, साथ में इंदु भी। तो इन लोगों ने दर्शन कर लिए, हम लोग तो अभी अभी आ रहे हैं, इन लोगों ने तो दर्शन कर भी लिए हैं। तो चलते हैं अंदर, हम भी दर्शन करके आते हैं और दिखाते हैं आपको आगे। तो दीदी भी आ चुकी है अंदर और अब ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो रखे हैं। हमारी फ़ोटो खींचो, तो इनकी भी थोड़ा फ़ोटो खींचती हूँ। और इधर का यहाँ का दृश्य तो आप लोगों ने देख लिया है, काफ़ी खूबसूरत है। तो वैसे फ़ोटो वीडियो बनाने के लिए मना भी कर रहे हैं, फिर भी तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और अब चल रहे हैं बाहर को। तो अब बाहर के भी तो हमने माता के दर्शन कर लिए और अब जा रहे हैं हम आगे इधर। तो इधर भैरव मंदिर है, तो वहाँ से भी दर्शन करके आते हैं। प्रिया और प्रिया की दीदी चल रही है आगे आगे और यहाँ पे शायद भंडारा चल रहा है, तो दिखाते हैं आपके। यहाँ पे भंडारा चल रहा है, तो यहाँ पे खाना बन रहा है। देखिए हरे भरे पेड़ इधर जो है, तो यात्री लोग ज़्यादा आते हैं। ओ बंदर भी दिख गया, प्रिंस बंदर वो देख, ये देखिए बंदर। हेलो, अगर उन्होंने देख लिया तो फ़ोन पे झपट जाएंगे। तो अब हम आ चुके हैं भैरव मंदिर और करवाते हैं आपको दर्शन इधर के भी। उधर भी है क्या बाबू? हाँ इधर भी है सामने मंदिर, तो इधर भी दिखाएंगे अभी। जय बाबा भैरव की सदा की जय हो। वीडियो
तो इधर हमने दर्शन कर लिया और इधर भी है, ये भी भैरव बाबा का ही दूध का मंदिर है, तो दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ प्यारे प्यारे पोस्टर लगे हुए हैं, देखिए, और ये काल भैरव भगवान के, तो आप भी दर्शन कीजिए। ये यहाँ पे चढ़ नहीं पा रहे इन्हें हाइट की कमी हो गई। हाइट थोड़ा कम है, तो अब थोड़ा इधर भी दर्शन करते हैं। नमः शिवाय, जय बाबा भोले। तो आप लोग इधर भी दर्शन कर सकते हैं। हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और अब हम वापस जा रहे हैं घर को। तो काफी भीड़ है मंदिर में और काफी अच्छा भी लग रहा है, खूबसूरत इधर के नजारे। यही सामने कहीं और चले मम्मी, अब कहाँ चले? अब कहीं और चल रहे घर चलो। हम लोग आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घर। हम यहाँ से रिक्शा देख रहे हैं, रिक्शा मिलेगा तो रिक्शा लेके चलते हैं घर को, और उसके बाद मिलते हैं आपसे तक घर पे। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ घर और प्रिंस और मैं तो घर आ गए, साजी दादी और प्रिया गए इन दो लोगों के घर में, तो वो अब सीधा शाम को आएंगे। व्रत है सभी का, तो बच्चों के लिए अब खाना बनाती हूँ और बच्चों के लिए बनाऊँगी अब लौकी आलू की सब्जी और चावल। मैंने यहाँ पे लौकी निकाल के रख दी, अब लौकी आलू की सब्जी बनाती हूँ, चावल बनाती हूँ साथ में, मेरा तो व्रत है। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो चुका शाम का और अब मिल रही मैं आप लोगों को सीधा शाम को। तो टाइम शाम के 5 बज चुके हैं और प्रिय लोग भी आ चुके हैं, तो प्रिय जैसे कि ताई के घर गई थी तो प्रिय लोग भी आ चुके हैं और यहाँ पे बन रही मेरी शाम की चाय। अब अब एक बार ही पी ली, और उससे पहले मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय।